पानी के लिए ठीक है बस। देखिए हमारी सेक्टर और जोनल स्कीम अभी चालू है। हम लोगों ने पूरे ज़िले में 7 जोन और 36 सेक्टर बनाए हैं, जहां जिला स्तरीय अधिकारी अपनी अपनी प्रत्येक थाने पर ड्यूटी कर रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, 12-12 घंटे की। इसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह बात की है, हमारे जो धर्मगुरु हैं उनसे बात की जा रही है, और ये अपील किया जा रहा है कि कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थान राजनीति का स्थान ना बने। इसके अलावा हम लोगों ने प्रत्येक धार्मिक स्थानों पे, चाहे वो हिंदू का धार्मिक स्थान हो चाहे वो मुस्लिम का धार्मिक, सभी पे पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, और ड्रोन कैमरे से हम लोग लगातार उसकी वो बना रहे हैं कि कहीं भी कोई छतों पर कोई ईंट पत्थर ना रखा हो, और सर्च पार्टी लगाई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो संवेदनशील स्थल हैं उन पे पिकेट की व्यवस्था की गई है, और पुलिस पिकेट लगाई गई है, और हर तरीके से हम लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जिला प्रशासन ने एक NRC और CAA को लेकर जो अफवाहें हैं उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने पैम्पलेट छपवाए हैं, और इसको हम लोगों ने पेपरों में सर्कुलेट कराया गया है ताकि लोग जागरूक हो सकें। और हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जाए, और ताकि कोई भी अफवाह न फैल पाए। जनपद उन्नाव में आज शुक्रवार को हमने शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। पुलिस और PSC के जवानों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, पर हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। हमने 25,000 पैम्पलेट भी छपवाए हैं ताकि लोगों के बीच की भ्रांतियाँ दूर हो सकें। इसके साथ साथ हम लोग ड्रोन कैमरे से भी नज़र रख रहे हैं, और हमारा जो इंटेलिजेंस है LIU और हमारा लोकल इंटेलिजेंस मुखबिर तंत्र भी है। और हम सबसे अपील भी करना चाहेंगे कि कोई भी र्यूमर न फैलाएँ, अफवाह न फैलाएँ, और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से भी बचें।